जेएन कैडेट्स मेरे पास कमेंट आता है और एक भाई पूछते हैं कि आखिर एनसीसी के सीएटीसी कैंप कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं, परसों से यानी कि 20 अप्रैल से लेके हम बात करें तो 29 अप्रैल तक एक सीएटीसी कैंप आ रहा है जिसको सीएटीसी फर्स्ट नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एनसीसी के सीएटीसी कैंप होते हैं वो जनरली 4 से 5 बार एक साल में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में हैं एनसीसी के, ए सर्टिफिकेट के सेकेंड ईयर में या फिर बी के सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो तब आपको एक सर्टिफिकेट के लिए कैंप करना होगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट का एग्जाम दे पाएंगे। तो यही वो कैंप है जो आपको करना रहता है। ठीक है, तो ये साल में 5 बार होता है, तो आपके पास 5 चांसेस है कि 5 में से 1 बार आपको करना होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कैडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हर एक कैंप में अप्रोक्स हम बात करें तो 500 कैडेट्स रहते हैं। ठीक है, तो 500 करके 6.5 बार कैडेट्स हो जाते हैं, जिससे कि 3,500 के समथिंग सारे कैडेट होते हैं, इन सभी का कैंप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ तरीके से होगा, वो हम बात करेंगे। तो ये जो कैंप है ये है 10 MP बटालियन एनसीसी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंदौर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वहां पे 10 MP बटालियन है, वहां पे ये कैंप होने वाला है। ठीक है, तो कैंप की लोकेशन की हम बात करें तो आलोक इंटरनेशनल स्कूल, जहां पे मेरा एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप हुआ था, जो कि MIT कॉलेज है, वहां पे देवास रोड से समथिंग जाने का रास्ता रहता है, वहां पे आता है। ठीक है, इसका जो है 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रहने वाला है ये कैंप। ठीक है, जो कि आलोक इंटरनेशनल विद्यालय में, हम कह सकते हैं स्कूल में रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन दोनों कैडेट्स रहेंगे, ए सर्टिफिकेट वाले भी और बी सर्टिफिकेट वाले, सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स वो भी रहेंगे, क्योंकि तीनों सर्टिफिकेट करने से पहले एक कैंप करना होता है, वो ये कैंप है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कॉलेजेस की लिस्ट है, माधव आर्ट्स, SOS, MIT, LOTI, गवर्नमेंट JDC, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, निर्मला कॉलेज और निर्मला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि मेरा कॉलेज है, ओमेगा, गवर्नमेंट, ओके, SKP, ये सभी कॉलेजेस हैं यहाँ पे। इस तरीके के सभी कॉलेज के कैडेट्स आएंगे जहाँ जहाँ पे 10 MP बटा लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं JD और JW यानी कि जूनियर डिवीजन, जितने भी ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं वो कौन कौन जाने वाले हैं, तो ये सभी वो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जीवाजीगंज हायर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और जितने भी गवर्नमेंट यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं देवास वाले नंबर 1 नंबर 2, शाहजहाँपुर, मक्सी, आगर, मालवा जो कि है, तराना, मकड़ोन, ठीक है, जहाँ के जितने भी स्कूल, मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी है, इसमें से आप कहीं पर भी है तो इसको सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो जल्दी से अपना जो भी कैंप का अगर आप जाना चाहते हैं या तो फॉर्म फिल करिए, इसका जो भी अमाउंट लगना है 2000 समथिंग अमाउंट लग रहा है वो आप पे कीजिए अपने NO सर को, फॉर्म फिल कीजिए, मेडिकल ऑफिसर के सील साइन कराइए, पूरा फॉर्म अच्छे से कंप्लीट करना और सभी को बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी कि कैंप में क्या सामान ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस तरीके से कैंप में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेडल्स वगैरह कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से सीनियर का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।